हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडुलमईडू। पेंडुलमईडू पे आपका स्वागत है। और आज वर्ड ऑफ द डे में हम देखने वाले हैं कि हम आज कौन सा वर्ड पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा वर्ड है वो है इन्यूएंडो। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इन्यूएंडो। एंड ये जो एक वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक नाउन है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको कई एग्जाम से पूछ लेते हैं, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सेंटेंस में कैसे इस वर्ड को यूज़ करना है उसके लिए भी पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं हम। तो इसकी एक मीनिंग है एन इनडायरेक्ट इंटीमेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग स्पेशली ऑफ अ डिस्पैरेजिंग और डेरोगेटरी नेचर। मतलब कि किसी के बारे में कुछ इशारा करना जिसमें जो भावना है उसमें वो गलत भावना है। ठीक, गलत भावना से किसी के प्रति कोई इशारा करना, किसी चीज़ के प्रति इशारा करना। और लॉ में भी ये वर्ड यूज़ होता है, तो वहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है वो होता है द एक्सप्लेनेशन एंड एलुसिडेशन ऑफ द वर्ड्स एलिज टू बी डिफेमेटरी। तो कोई वर्ड्स हैं जो एलिगेशंस, जो वर्ड्स जो डिफेमेटरी हैं, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन और उनके एलिसिडेशन के बारे में होता है ये वर्ड यूज़। ठीक है, सो हमने इस वर्ड का मीनिंग देख लिया। तो जनरल मीनिंग होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में इशारा करना, किसी पर्सन के बारे में इशारा करना, लेकिन गलत भावना से। तो अब हम इसके देख लेते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, यूसेज। तो इसका एक सेंटेंस है, द कंपनीज रेपुटेशन हैज़ बीन डैमेज्ड बाय इन्यूएंडोस अबाउट इट्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो जो है कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई, किस वजह से, उसके जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जो इनडायरेक्ट इंटीमेशन हुआ। ठीक है, एक आपको सेंटेंस गिवन है, द रिपोर्ट रिलीज बाय एन एनजीओ वॉज बेस्ड ऑन र्यूमर्स स्पेकुलेशन एंड इन्यूएंडो। तो जो एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है, उस वो सिर्फ रूमर से भरी हुई थी और स्पेकुलेशन एंड इन्यूएंडो, मतलब कि वो रिपोर्ट जो है वो रियल नहीं थी, इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन दी जो इंटीमेशन हुआ, इनडायरेक्ट इंटीमेशन हुआ या फिर रूमर स्प्रेड हुए उस पर बेस्ड थी वो रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वर्ड जो देखा उसके हमने मीनिंग देख लिए, पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया, सेंटेंस में यूसेज देख लिया। अब हम उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। तो उसके सिनोनिम्स हैं एल्यूजन, हिंट, इम्प्लीकेशन या एक्सपोजन। एंड इसका जो एंटोनियम है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, इनडायरेक्ट इंटीमेशन है एंड उसमें कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट वो एक इशारा टाइप से है। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो एविडेंस एंड प्रूफ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमने वर्ड पढ़ा है, ये वर्ड एसएससी के एक एग्जाम में एंटोनियम सिनोनिम वाले सेक्शन में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वर्ड्स लेकर आते रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में या तो आए होंगे या फिर कोई नए वर्ड्स जिनके आने की जो है संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, वर्ड ऑफ द डे ज़रूर फॉलो करिए, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड को ऐड कराना चाहते हैं वर्ड ऑफ द डे में तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल पेंडुलमईडू को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और फ्रेंड्स, अच्छे से अपनी जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिए। ऑल द बेस्ट।